दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। इस दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद रहे। अब कोर्ट में क्या क्या हुआ वो जानते हैं। तो सबसे पहले जमानत के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जो है वो जमानत के लिए है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान है। दूसरा पॉइंट, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए 10 मई को रिहा किया गया था। उन्हें ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक की रिहाई मंजूर की थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। ऐसे में आज यानी 5 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती तो उन्हें जेल में कुल 169 दिन हो चुके होते। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 148 दिन जेल में बंद रहे होते। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल समाज के खतरा नहीं है, वो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने केजरीवाल की पैरवी करते हुए 2 नियमित जमानत के आदेश का हवाला दिया, जिसमें से 1 निचली अदालत और 1 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस मामले में केजरीवाल के वकील की ओर से दलील दी जा रही है कि शुरुआती एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। सिंघवी ने कहा है कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में 2 फैसले हुए हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को 2 साल बाद गिरफ्तार किया है। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि यहाँ सवाल ये है कि क्या जमानत के मामले में हमें इतनी देरी तक सुनवाई करनी चाहिए? क्या आम लोगों को भी इतना समय मिलता है? हालांकि इस मामले में सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे एएसजी ने ये कहा है कि याचिकाकर्ता ने जितना समय अपनी दलील रखने में दिया, एजेंसी को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने जवाब दिया है कि 2023 में सीबीआई ने केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया था। मार्च में आचार संहिता लगी, फिर ईडी ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया। जून में ट्रायल कोर्ट की जमानत दी तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत? हिरासत में रहने के दौरान 3 महीने में क्या कुछ हुआ? उसके बाद एएसजी राजू के कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचले अदालत जाने को कहा था, जबकि केजरीवाल के ईडी मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। उस मामले में भी उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट भेजा गया था। वो असाधारण व्यक्ति नहीं है जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम तय करेंगे कि क्या इस मामले में हमें दखल देना चाहिए या नहीं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में अरविंद ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाई कोर्ट में दाखिल की थी। गिरफ्तारी और जमानत के फैसले एक साथ सुनाए गए। हाई कोर्ट पर बहुत ज्यादा बोझ है, जबकि ऐसे मामले आते हैं तो उनका पूरा बोर्ड अव्यवस्थित हो जाता है। मामले में सुनवाई छुट्टी के दिन हुई, क्योंकि वो एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सत्र न्यायालय जाना चाहिए था। यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में केजरीवाल से कही थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी, लेकिन केजरीवाल सत्र न्यायालय जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट चले आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के लिए बगैर निचली अदालत जाने के लिए कहने पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को इस पर विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के कोर्ट में आज ये सारी दलीलें दी गई है। फिलहाल जमानत की जो याचिका है वो सुरक्षित कर ली गई है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।